प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 27 जून 2023 को बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पसमानदा मुस्लिमों की बदहाली का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति ने पसमानदा मुस्लिमों का जीवन मुश्किल कर दिया है। इनके साथ जबरदस्त भेदभाव हुआ है, इसका नुकसान इनकी कई पीढ़ियों को उठाना पड़ेगा। इस दौरान उन्होंने कई राजनीतिक परिवारों पर भी निशाना साधा। भारत में मुस्लिम समाज में पसमानदा मुसलमानों की आबादी 85% हिस्से में है। पसमानदा मुस्लिमों में दलित और पिछड़े समाज के मुस्लिम आते हैं। मुस्लिम समाज में पसमानदा मुसलमान अपनी अलग सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत में रहने वाले मुस्लिमों में 15% स्वर्ण माने जाते हैं, इनको अशरफ कहा जाता है। वहीं बाकी 85% अरजाल और अजलाफ दलित व पिछड़े माने जाते हैं। मुस्लिम समाज में इनकी स्थिति बहुत खराब है। मुस्लिम समाज के उच्च वर्ग का नजरिया इनके प्रति अच्छा नहीं है। पसमानदा मुस्लिम आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्तर पर पिछड़े हुए हैं। पसमानदा फारसी का शब्द है जिसका मतलब पीछे छूट गए, दबाए या सताए हुए लोग। भारत में पसमानदा आंदोलन 100 साल पुराना है। पिछली सदी के दूसरे दशक में मुस्लिम पसमानदा आंदोलन शुरू हुआ था। भारत में 90 के दशक में पसमानदा मुसलमानों के हक में दो बड़े संगठन खड़े हुए। इनमें ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के नेता एजाज अली और ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महज के नेता पटना के अली अनवर थे। दोनों संगठन देश भर में पसमानदा मुस्लिमों के सभी छोटे संगठनों का नेतृत्व करते हैं। दोनों संगठन को मुस्लिम धार्मिक नेता गैर इस्लामी कहते हैं। पसमानदा मुस्लिमों के छोटे संगठन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहुतायत में हैं। दक्षिण एशियाई देशों में ज़्यादातर मुस्लिम धर्म बदलकर इस्लाम में आए हैं। हकीकत यह है कि वह जिस जाति से आए थे आज भी उन्हें उस जाति का माना जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हिंदुओं की तरह दक्षिण एशियाई देशों के मुसलमानों में जातिवाद है। लंबे समय से इनके संगठन पसमानदा मुस्लिमों के लिए आरक्षण की मांग कर रहा है। भारतीय मुस्लिम भी तीन मुख्य वर्गों और सैकड़ों बिरादरियों में बटे हुए हैं। उच्च जाति के अशरफ कहे जाते हैं, मुस्लिम पश्चिम या मध्य एशिया से हैं। इनमें सैयद, शेख, मुगल, पठान आते हैं। भारत में स्वर्ण जातियों से मुस्लिम बने लोगों को भी उच्च वर्ग में माना जाता है, इसलिए मुस्लिमों में भी राजपूत, त्यागी, चौधरी, गृह या गौर लगाने वाले लोग मिल जाएंगे। सैयद ब्राह्मण माने जाते हैं। SP9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।